के लिए फिर से ये ऊपर वाला टर्म सेम लिखे और नीचे सी का मान, नहीं तो ऊपर नीचे दोनों जगह बैठा दिया जाए। सी का मान यहाँ पर यह रखा गया ए प्लस बी, यहाँ लिख देते हैं सी बराबर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी, लेकिन स्क्वायर करेगा तो माइनस भी क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखिए ए स्क्वायर कितना, टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर, इसके अंदर से और क्या निकलेगा, टू ए बी, तो क्या टू कॉमन लिया जा सकता है। और नीचे देखिए, नीचे में बचा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कटेगा कुछ तो आंसर में क्या बच जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा है, होल क्यों है, लग रहा था कि गलती है, यहाँ थ्री है तो यहाँ क्यू होना चाहिए, क्योंकि तीन गो ना टर्म है, यहाँ पर सुधारिएगा। तो चलिए तो बनाया जाए, तो देखिए सबसे पहले इस स्ट्रक्चर में आपको लाना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे a माइनस एक्स है, a माइनस वाई है, इस स्ट्रक्चर में पहले आपको लाना होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन से, कि 2a है ना, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और अब बोलिए z इज इक्वल टू, समझा गया, एक्स और वाई को राइट साइड ले जाएगा तो दोनों का साइन क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह का स्ट्रक्चर ले आए, ए माइनस एक्स प्लस ए माइनस वाई। चलिए अब आइए फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू क्या चीज, अजीब हाल है, फिर से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी, और फॉर्मूला में क्या होता है, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का काम कौन करेगा, जेड, तो जेड के जगह ये रख दीजिएगा तो ए प्लस बी का काम नहीं करेगा। तो क्वेश्चन से फिर आया जाए तो ये हो गया आपको ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी, ये काम कर रहा है ए बी का, और आपको क्या चाहिए, a प्लस बी, तो z का मान बैठाइए, z का मान इतना निकालें, a माइनस एक्स प्लस ए माइनस वाई, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, किसका फॉर्मूला, a प्लस बी के होल क्यू का, तो यह हो गया a प्लस बी का क्या चीज, होल क्यू, और यह किसके बराबर है, तो बराबर हो गया एक ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ। चलिए फिर से देखा जाए, अभी इधर बता दिए, फिर से देखिए अलजबरा में कोई क्वेश्चन न बने तो फिर ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं बिना बनाए हुए, मतलब 90% क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, कुछ में नहीं भी होगा लेकिन 90% में ऐसा हो जाता है। अब इससे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 2a, तो x y z के बदले कोई एक नंबर मान लीजिए, और जिसको मानने पर यहाँ 2a आता है, मतलब कोई सम संख्या आ जाए, जो मर्जी है वो, इसे सम संख्या नहीं आएगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि बटा 2 कर सकते हैं, लेकिन सम संख्या यहाँ लाइएगा
तो कैलकुलेशन करने में सुविधा हो जाएगा। तब कोई दो गो को ऑड मान लीजिए और एक गो को इवेन मान लीजिए, क्योंकि ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवेन। तो कोई दो गो को ऑड मान लीजिए, एक गो को इवेन मान लीजिए, तो लिख देते हैं 3 प्लस 5, इसको इवेन मान लीजिए, 4 लिख देते हैं, चाहे 6 लिख देते, बराबर। अब बोलिए 5 3 8 है, 4 कितना, 12। अब बोलिए तो इसमें ए का मान कितना आ गया, ए बराबर कितना, 6। एक्स के प्लेस पर क्या मान है, 3। वाई के प्लेस पर, जेड के प्लेस पर, और 2a बराबर कितना है, तो a बराबर 6। अब जो क्वेश्चन पूछा है उसमें रख दिया जाए, छोटा मान रखिएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन और फास्ट कर सकिएगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आइए a माइनस एक्स, 6 माइनस 3 बोलिए, 3 का क्यूब बोलिए, a माइनस वाई, 6 माइनस 5 बोलिए, 1, प्लस 3 इंटू ए माइनस एक्स बोलिए, 3 ना, ए माइनस वाई बोलिए, इंटू जेड बोलिए, 4। इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो आइए 27 1 28, 3 गुना 3 9 4 36, 36 और 28 बोलिए 64। तो जिस जो ऑप्शन हमको 64 देगा वही ऑप्शन हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर आया जाए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, तो एक्स का मान बोलिए, तो 3 का क्यूब कितना आ गया, 27। चलिए दूसरा ऑप्शन है वाई क्यूब, 5 का क्यूब कितना, 125। चलिए तीसरा ऑप्शन जेड क्यूब, जेड का मान 4। तो शुरू किया जाए, तो आइए बहुत हल्का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या चीज, इसको लेफ्ट साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू बोलिए 0। अब इसका फॉर्मूला आइए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC बराबर होता था फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी। इसका रिजल्ट तो हमको पता चला ही 0, वो आंसर हो गया क्या। चलिए फिर दूसरे तरह से देखा जाए, बोलिए दूसरा मेथड से इसको कैसे बनाते, क्या मान रखते बोलिए दूसरा तरह से कैसे बनाते। हाँ देखिए उस सही पकड़े हैं। अरे स्ट्रक्चर नहीं बताए थे, यदि ऐसा लिखा जाए तो ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, सबको ए में बदल दीजिए या सबको बी में या सबको सी में, हम ए में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो यह हो गया 1 क्यूब, बी के प्लेस पर भी बैठाइए 1 क्यूब, सी के प्लेस पर भी बैठाइए 1 क्यूब। या आपको ऐसे दिक्कत लगता है तो एक काम और कर सकते हैं, हम मान लेते हैं इतना बराबर एक्स, तो यह हो गया 1x³, बी का मान भी x, सी का मान भी x, 3 इंटू x इंटू x इंटू x। तो x³ + x³ + x³ कितना, 3x³ - 3x³ रिजल्ट हो गया। चलिए तो बोला जाए आंसर, बोला जाए आंसर, बोला जाए जल्दी से। अरे कितना तो हल्का है, यहाँ देखिए
एक्स प्लस वाई प्लस जेड को जोड़ के देखिए क्या आएगा, इसको 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 जोड़िएगा तो क्या आएगा, जीरो। तो जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। यहाँ पर ए बी सी लिखा गया है, जो गलती लिखा गया एक्स वाई जेड लिख लीजिएगा। तो इतना इज इक्वल टू क्या चीज, जीरो। चलिए, और यदि इसका मान पूछता तब तो कहता कि सिर्फ इतना ही दूर का मान बताइए, तो ये किधर चल जाता, राइट में, तब आंसर क्या होता है, इतना, यानी थ्री इंटू एक्स वाई जेड का मान बैठा दीजिए। मतलब रिजल्ट आया कि फॉर्मूला में आप पढ़े होइएगा, इतना बराबर क्या चीज, जीरो है, तो इतना बराबर भी क्या होगा, जीरो। अब जैसा पूछे इसका मान पूछेगा तो उसको राइट में कर दीजिए, इसका मान इतना होगा, इसका मान इतना होगा, इतना दूर का मान पूछा है तब आंसर इतना होगा। चलिए इस क्वेश्चन देखिए, इसका मान निकालना है तो इसका फॉर्मूला बैठा सकते हैं ना, क्या जो पूछा है उसका फॉर्मूला आपको है पता, इस फॉर्मूला में कौन ऐसा बात है जो ऊपर में नहीं दिया हुआ है, बताइए। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान नहीं दिया है, तो पहले हमको उसको निकालना पड़ेगा, तो पहले उसको ही निकाल लिया जाए तब आगे यूज किया जाए। तो वो निकालने के लिए फर्स्ट लाइन का स्क्वायर करिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बोला जाए। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, इसके प्लेस पर क्या रखे, फाइव, और इसके प्लेस पर क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान बोला जाए, ये 25 में से 20 घटाइए 5, और अब इस जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखिएगा। अब इसका मान निकालना है, इसका फॉर्मूला तो आप जानते हैं, अब आपको इसका मान भी पता है, इसका मान भी पता है, या नहीं पता था यह भी पता है, तब आगे बना लीजिए। चलिए, तो आंसर हम निकाल ही देते हैं, तो बोलिए इसका फॉर्मूला, बोलिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड जिसका मान बोलिए, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर उसका मान बोलिए फाइव, माइनस ए बी बी सी सी ए, मतलब एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जिसका मान कितना, 10, और आंसर कितना, तो 5 माइनस 10 कितना, -5, +5 इंटू -5 -25 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसा है, तो क्या किया जाए, एक्स का मान डायरेक्ट ही रख दिया जाए, पहले इसको एक फॉर्मूला पर सेट करने का कोशिश किया जाए, नहीं होगा तो एक्स का मान तो फिर रख के कैलकुलेशन हमको करना ही पड़ेगा। तो आइए, यह किसका क्यू है, यह किसका, 2y का, चेक कर लेते हैं थोड़ा। तो फॉर्मूला में आइए, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, तो ए के जगह क्या चीज, x, और इसके जगह पर 2y, तो नहीं होगा, नहीं। अच्छा, और देखते हैं, चलिए तो फिर से
3ab और क्या होता है फॉर्मूला में, इनटू क्या चीज, हाँ ए माइनस बी ना, ए माइनस बी। तो ए के जगह पर क्या चीज है, एक्स, और बी के प्लेस पर 2y। तो बोला जाए 216 तो नहीं आएगा ना। तब क्या किया जाए, तब एक्स का मान रख दिया जाए, या फिर ऐसा करिए सबको रखिए एक्स में, चाहे सबको रखिए वाई में, तो दो गो टर्म नहीं रहेगा, दोनों एक्स हो जाएगा चाहे दोनों वाई होगा, तो क्वेश्चन इजली बन जाएगा। तो बोलिए सबको एक्स में रखें कि सबको वाई में, किसी में रखें। ये मतलब बना रहे हैं, ऑप्शन से ट्राई करना होता तो हम अब तक कर दिए होते, वाई का मान 1 रख देते तो एक्स का मान निकल जाता, और एक्स वाई का मान रख देते आंसर निकल जाता। तो आइए किस में बदलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यदि हम वाई का मान निकालते हैं तब तो बट्टा में आ जाएगा, इधर -6 करिएगा तो बेहतर है कि एक्स ए का मान रखिए और सबको कन्वर्ट कर दीजिए क्या चीज़ में, वाई में। एक्स का मान बोला जाए 2y+6 का होल क्यूब माइनस 8y³ - 36xy - 216। वही तो हम भी सोच रहे थे, 2y+6 इंटू -200। नेक्स्ट स्टेप में तो ए प्लस बी का होल क्यूब करना है, तो बोलिए कितना हो जाएगा, 8y³ + 216। ये देखिए आपस में कटने लग जाएगा, इससे यह कट जाएगा, इससे वो लास्ट वाला कट जाएगा। चलिए और प्लस 3ab, 3ab, तो 3 × 6 = 18, 18 × 2 बोलिए 36, 36 कितना y, तो ये हो गया 3ab, इनटू बोलिए a+b, तो a+b के जगह क्या रख दिया जाए, 2y+6। और बोला जाए अब काहेला कुछ रखा जाएगा, बाकी जैसे है वैसे रहने दीजिए, तो -8y³ - 36 × 2y+6 × y - 216। तो रिजल्ट बोलिए, सब एक दूसरे से कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो जाएगा 0। तो जैसे ही ये छोड़िए, पहले हम सॉल्व करते हैं, ये तीनों का एलसीएम बोलिए, एबीसी, बीसी, एसी, एबी का एलसीएम कितना, एबीसी, आप बीसी से डिवाइड करिएगा तो क्या बचेगा, ए, तो ए स्क्वायर इंटू a³ + b³ + c³। अब चूंकि इतना बराबर क्या चीज़ है, 0, तो इसका फॉर्मूला बोलिए 3abc, और आंसर हो गया। तो क्वेश्चन में यही लिखा हुआ, तो जैसे जैसे ही देखे कि क्यू वाला बात आ गया, टर्म 3 गो है, तो जा पहले ये दिमाग में जरूर लाना है कि a+b+c = 0 होता है तो a³ + b³ + c³ बराबर कितना, 3abc, या a³ + b³ + c³ - 3abc = क्या चीज, 0। ये दिमाग में जरूर लाना है, तो पहले इस देख लीजिए क्या वैसा है। ये बोलिए ये पूरा को एक्स कहिए, ये पूरा को वाई कहिए, ये पूरे को जेड कहिए, तो क्या x+y+z = 0 है, है। ये तीनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो फिर तो वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो इतना बराबर 3abc, तो 3 इंटू
ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, और नीचे वाला जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। और आंसर हो गया वन बाई, तो शुरू किया जाए तो बोलिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक बार ये दोनों को जोड़ना है और एक बार ये दोनों को घटाना है, यही काम ऊपर में भी करना है और यही काम नीचे में भी करना है। तो पहला बार जोड़ा जाए तो ए प्लस बी माइनस सी, और एक बार क्या किया जाए घटाया जाए तो ए माइनस बी प्लस, वही काम नीचे में भी, ए जोड़िएगा तो ए प्लस सी प्लस बी और घटाइएगा तो ए प्लस सी माइनस। तो कुछ एक टर्म आपको इसमें कट जाएगा, बाद में कटाते हैं, पहले सबको लिख लेते हैं। चलिए पहला बारी दोनों को जोड़िए तो बी माइनस सी प्लस ए, बी माइनस सी प्लस ए, एक बार दोनों को क्या करिए घटाइए तो घटाइएगा तो यह हो जाएगा प्लस बी प्लस सी माइनस ए। अच्छा बात, हाँ यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। चलिए नीचे में लिखिए, पहले हम घटा ही दिए, अरे उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, पहले जोड़िए चाहे पहले घटाइए। चलिए अगले में, अच्छा ठीक है पहला बार जोड़ते हैं तो ये दोनों को जोड़िए ए प्लस बी प्लस सी, अगला बार घटाते हैं ए प्लस बी माइनस सी। चलिए अब उसी तरह अगले में भी लिखा जाए, ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस बी, एक में उल्टा कर दीजिए c प्लस ए माइनस बी, यह हो जाएगा b प्लस सी प्लस ए और b प्लस सी माइनस। अब देखा जाए क्या क्या कट रहा है, यहाँ देखिए माइनस बी है, ये दोनों कटेगा ना, ये तो नहीं कटेगा। चलिए इसमें देखा जाए माइनस सी है, अगले में देखा जाए माइनस ए है, तो यही ना माइनस ए है। अब इसका एलसीएम बोला जाए, हाँ तो एलसीएम सब में इक्वल हो गया, एलसीएम हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और ऊपर में देखिए अब क्या क्या होगा, यहाँ देखिए ए माइनस ए कैंसिल, नहीं एगो यहाँ ये तो बचेगा ना। चलिए प्लस बी कितना टू बी, और टू बी माइनस वन बी, तो उसी तरह से क्या बचेगा सी भी, और आंसर हो जाएगा। बोला जाए रीजनिंग का क्वेश्चन है, आंसर बताइए। ऑप्शन में दिया हुआ है जीरो वन एक्स तय नहीं कर सकते, क्यों जीरो हो जाएगा, हाँ तो इसके जस्ट पहले का टर्म हो जाएगा वाई माइनस एक्स का होल क्यू, और उसके जस्ट पहले का एक्स माइनस एक्स का होल क्यू, ये आ जाएगा क्या चीज़ जीरो, और चूंकि मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ऐसा है, इसमें आपको के का मान फाइंड आउट करना है, इसमें के का मान निकालना है। तो बोलिए ए प्लस बी इज इक्वल टू बोलिए कितना, हाँ सी के चाहे के सी, बी प्लस सी बराबर बोलिए,
और उसी तरह ए प्लस सी बराबर बोला जाए, दोनों तरफ जोड़ा जाए, लेफ्ट साइड भी जोड़ा जाए, राइट साइड भी जोड़ा जाए, तो लेफ्ट साइड जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और राइट साइड जोड़िएगा तो के का मान बताइए, तो आंसर हो गया।